अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू की श्री गोपाल गौशाला में। यहाँ पे हम अंदर चलेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे कितनी गायें हैं जिनकी सेवा यहाँ पे दी जा रही है। और बहुत पुरानी ये गौशाला है जिसको लोगों ने भूल से गए हैं, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये गौशाला कितने समय से यहाँ पे है और यहाँ पे कितनी गायों की सेवाएं की जाती है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इसी गौशाला के बारे में हम सब चीजें जानेंगे, तो चलते हैं अंदर और जानते हैं इसके बारे में। अभी हम अंदर चल रहे हैं, ये इसका मुख्य द्वार है जहां से ये मुख्य द्वार है पूरा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चित्रकारी भी की गई है, देखिए। ऐसी गौशाला मेरे हिसाब से झुंझुनू में कहीं और देखने को मिलती नहीं है जितनी यहाँ पे चित्रकारी की गई है, पेंटिंग की गई है, सब गौ माता के लिए यहाँ पे किया हुआ है। ये बाहर से देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने ही मनसा माता का मंदिर भी है जो पहाड़ी पर स्थित है। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं फिर। ये यहाँ पे शुरू के अंदर जब गेट में प्रवेश करते हैं, जैसे ही एंटर होते हैं, तो यहाँ पे गौ माता की फोटो लगी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि गाय के ऊपर जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो पूरे शरीर में निवास करते हैं, पूरा ऐसा इसमें शो किया गया है। दोनों तरफ ये जो द्वार बना हुआ है, चलिए अंदर चलते हैं। चित्रकारी और पेंटिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको सजाया गया है, ऐसे लगता है जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। यहाँ पे गोवर्धन जी जो गोपालक थे उनकी फोटो लगी हुई है, जिन्होंने पहाड़ अपने लिटिल फिंगर पे ले रखा है, ये देखिए। तो दोनों साइड से देखते हैं, यहाँ पे गौशाला में अगर कोई भी सेवा राशि देनी होती है तो यहाँ पे इन्होंने काउंटर बना रखा है। अभी शायद ऑफिस में कोई है नहीं, तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनी क्या गायें हैं, यहाँ पे रहने वालों से बातचीत करते हैं। देखिए अंदर का प्रांगण है, ये पूरा अंदर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये यहाँ पे गायों के लिए बनाया हुआ है पूरा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनसे जानते हैं गौशाला के बारे में, कितनी पुरानी गौशाला है, यहाँ पे कितनी गौवे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जांगेड़। मोहनलाल जी, बताइए यहाँ पे गौशाला कितने पुरानी है और यहाँ पे कितनी गायें हैं जिनकी सेवा की जा रही है? गायें तो यहाँ 1500-1800 के करीब है और सेवा भी बढ़िया हो रही है। अच्छा अच्छा, और पुरानी काफी है ये। अच्छा, इसका संचालन कौन करता है? इनका संचालक प्रमोद खंडेलिया और नेमी अग्रवाल करते हैं। अच्छा, उनके द्वारा इनका संचालन किया जाता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मतलब ओनली गायों के लिए है? हाँ, गाय के बछड़े वगैरह हैं उनके? हाँ, लिए सबके लिए, सबके लिए। हाँ, गाय के बछड़े हैं, गाय है। कितने पुरानी गौशाला है ये? करीब 110-115 साल पुरानी गौशाला है। देखिए जैसे उन्होंने बताया कि ये जो गौशाला है ये लगभग ये माने कि 100 वर्षों से ही काम में लगे हुए हैं, पूरी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। और बता रहे हैं कि यहाँ पे 1500-1800 गाय हैं जो जिनकी सेवा की जा रही है। और ये यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, ये एक शिवालय बना हुआ है, ये यहाँ पे मंदिर की साफ सफाई की जा रही है अभी। ये देखिए पूरा साफ सफाई का काम चल रहा है, बहुत ही साफ सुथरी गौशाला है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, बहुत बड़ा चौक बना हुआ है यहाँ पे। तो गायें कहाँ मिलेंगी अभी? ये पीछे रहती है। अच्छा, अभी पीछे रहती हैं, खुला है ना पूरा, देखने को मिल जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि पीछे गायें हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। पीछे सब कुछ देखने लायक है, देखो कबूतर खाना है। अच्छा, कबूतर खाना भी है। तो इसमें जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ के
कबूतर खाना भी है और गायें हैं। हॉस्पिटल भी है पीछे बड़ा। अच्छा, पशु हॉस्पिटल है। तो ये यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गाय बीमार पड़ गई तो उन्हें बाहर लेके जाना पड़ता हो। यहाँ पे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये गाय हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इसके अंदर रखा हुआ है, जिनकी सेवा की जाती है। सबके रजिस्ट्रेशन नंबर लगे हुए हैं कानों में। हर एक गाय का अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर है, अलग से नंबर बनाया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अलग अलग 10 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। यहाँ गाय शाम को आ जाती है दूध वाली, सभी इधर पहुंचती। अच्छा अच्छा, वो उधर गई और शाम के 3 बजे यहाँ। तो आप यहाँ पे क्या सेवा करते हैं क्या? हाँ, सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग गायों की सेवा करते होंगे टोटल? 100-125 आदमी यहाँ पे। सबसे बड़े देखने वाली बात यह है कि 100-125 आदमी ऐसे हैं जो गायों की देख रेख के लिए रखे हुए हैं, उनको चारा पानी खिलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए सब। ये क्या चीज है? ये फिल्टर पानी, ये वाटर प्लांट भी बोल सकते हैं कि एक छोटा वाटर प्लांट लगाया हुआ है फिल्टर के लिए। तो ये पीने के पानी के लिए है, पीने के भी है, गाय भी पीती है। अच्छा, गाय भी इसी से पीती है। तो सब ये ऐसी सुविधा भी बहुत कम जगह मिलती है। रसोई है इसमें ये। अच्छा, ये श्याम रसोई है, मेथी और बाजरा ये गायों के लिए बनता है। इनको सुबह शाम डाल दिया जाता है। अच्छा अच्छा, एक बार इसको खोलिए ना। ये देखिए, यहाँ पे ये श्याम रसोई है जिसके अंदर गायों के लिए मतलब खाना जो बनेगा ना वो इसी रसोई में बनता है। तो ये भी एक यूनिक फैसिलिटी है गायों के लिए। जहाँ हम देश में देख रहे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वहां पे यहाँ पे गायों को खाना दे रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये सब देखो, ये खाना बना हुआ है जो उनके टाइम के अनुसार उनको खाना दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी सुविधा है यहाँ पे। तो जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, खबर देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए। ये पानी की एक टंकी है, ये पानी की एक टंकी बनी हुई है, बहुत अच्छी टंकी बनी हुई है। ये कितने लीटर की टंकी होगी? ये 2500 लीटर की टंकी बनी हुई है। 2500 लीटर पानी हुआ है उसमें, उससे पानी आता है इधर ही गौशाला में हुआ है। ओके, और ये क्या चीज बना हुआ है? ये है कृष्ण जी का मंदिर, 7 गायों का सब परिक्रमा बोलते हैं। अच्छा, सब परिक्रमा बोलते हैं। ये 7 गायों का मंदिर बना हुआ है बता रहे हैं। अच्छा, ये गायों को नहलाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा बना रखा है जिसमें एक साथ में मतलब 40-50 गाय नहा सकती हैं। इधर से यूं निकल जाती है, फिर उधर से वापस आ जाती है। तो ये यहाँ पे नहाने का है, नहाने के लिए है, स्नान घर ये बनाया हुआ। अच्छा अच्छा, ये स्नान घर हो गया। तो देखिए, बाथिंग की भी इतनी अच्छी व्यवस्था दी हुई है गायों को कि वो जब मैली होती हैं या कहीं पे बैठती उठती हैं तो थोड़ा भी मैल उनके लगता है तो उनको यहाँ पे नहलाया भी जाता है। एक बार उधर चले जाते हैं, फिर एक बार रिटर्न आ जाते हैं तो उनका नहाना भी हो जाता है। ये साथ में मंदिर बना हुआ है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का, जिसको सप्त परिक्रमा बोला जाता है। ये एम्बुलेंस भी यहाँ पे है गायों के लिए, तो एक अच्छी सुविधा बोल सकते हैं। बाहर से भी ले आते हैं इनके, ये एम्बुलेंस है। अच्छा, ये एम्बुलेंस है तो इसको बाहर से ले आते हैं? हाँ, कोई पशु बीमार होता है, सूचना मिलती है उसको। ये होता है जैसे कि गौशाला के पशु या फिर बाहर के कोई, बाहर के कोई भी हो उनको भी लाते हैं। इनका कहना है कि बाहर भी अगर कोई भी पशु होता है बीमार या फिर कुछ भी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए भी व्यवस्था बनी हुई है कि इस वैन से गाय को है या फिर कोई भी बछड़ा वगैरह है उन सबको यहाँ पे लाया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक रसोई वो है इस गाय के लिए। ये रसोई है? हाँ, ये चारा पानी के लिए इनका अलग से और भी स्टॉक करने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, जो कोई भी दानदाता होता है वो भी दे सकता है यहाँ पे अपने हिसाब से, जो फुर्सत हो जिसको जो देना हो वो यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गौशाला है, घूमने में बहुत समय लगता है। ये एक और रसोई बनी हुई है, ये इधर पूरा चारा पानी रखा हुआ है।
ये इधर गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, बहुत है, देखने में बहुत बड़ी गौशाला है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था है, देखने में ऐसी लग रही है कि हाँ जैसे एक इंसान की सेवा की जाती है वैसे ही इनको भी सेवा दी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस गौशाला में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी हेरिटेज स्थल पे आ गए हैं। और वहां पे देखिए कितना सुंदर नक्काशी का काम है, पेंटिंग का काम है, सब दीवारें जिनके ऊपर श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उन्होंने जो जो जैसे जैसे किया था उनको सब पेंटिंग से दर्शाया गया है। और ये यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी सारी गायें हैं, बछड़े हैं, सब हैं इसमें, ये देखिए। यहाँ पे लगता है मानो कि श्री कृष्ण की लीला यहीं पे होती है और इसीलिए गौ को माता कहा जाता है। ये देखिए कितनी सारी गायें हैं, तो इसमें सब ये मिक्स गायें होती हैं क्या? वो उधर चले गए हैं, उनसे पूछेंगे कि इसमें जैसे कि देसी गाय भी होती हैं, बहुत अलग अलग गाय होती हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें सब देसी गाय हैं या फिर मिक्सर होती हैं सब। ये देखिए बहुत दूरी में फैला हुआ है। फिर ये सप्तनंदी परिक्रमा है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे जिस चीज की, ये सप्तनंदी परिक्रमा है। यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति भी एक लगी हुई है, बहुत अच्छी मूर्ति है, ये देखिए। इधर भी गाय है, आगे चल के देखते हैं। देखिए जैसे नंदी महाराज को यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब अच्छी हरियाली है, अच्छे पेड़ पौधे सब चीजें यहाँ पे लगा रखी हैं इन्होंने और अच्छी एक व्यवस्था है। इधर भी है, ये जो बाथ टब की हम बात कर रहे थे जिसमें गायों को नहलाया जाता है, ये वही है। ये भैया और है यहाँ पे, क्या नाम है भैया आपका? गोपी। गोपी क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं मिस्त्री काम करता हूँ। अच्छा, मिस्त्री का मतलब ये टूट फूट का, मरम्मत का कोई? हाँ, मरम्मत का। तो ये गोपी जी हैं जो यहाँ पे टूट फूट मरम्मत का काम करते हैं, जहाँ कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसको सही करते रहते हैं, गायों के लिए ये भी सेवा दे रहे हैं। और ये जो श्री कृष्ण का मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये मंदिर, ये सप्त परिक्रमा बनी हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए आसपास की जुड़ी ऐसी खबरें लेके आते रहें। ये देखिए पूरी गौशाला दिखाते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना, ताकि अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो उनको पता चले कि गोपाल गौशाला कहाँ है और कितनी गायों की यहाँ पे सेवा की जाती है। और जो सक्षम हो वो अपने आसपास की किसी भी गौशाला में या फिर गोपाल गौशाला में आप अपना सहायता कर सकते हैं इन गायों की सेवा के लिए। कितनी गायों की यहाँ पे सेवा की जा रही है हम देख सकते हैं, गाय ही गाय हैं चारों तरफ, और बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है ये। इधर भी देखिए एक ये आ गया है जिसमें शेड डाली हुई है, अच्छी छाया की व्यवस्था है, फिर अच्छी साफ सफाई है। वैसे जैसे हम घर में भी रखते हैं गाय वगैरह तो वहां पे भी अपने को देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत कचरा वगैरह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई देखिए, टाइम टू टाइम साफ सफाई हो रहा है। इधर फिर से देखिए गाय हैं, कितनी सारी गाय हैं, ये देखिए। ये इधर एक मंदिर और बना हुआ है जो पार्क टाइप बना हुआ है, तो सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, काम यहाँ पे चल रहा है, साथ में ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए तो देखने में लगता है कि एक बहुत ही अच्छे मंदिर में आ गए हैं, और एक गौशाला को एक मंदिर की तरह ऐसा यहाँ पे वातावरण भी क्रिएट किया गया है कि आने वाले को बहुत अच्छा लगता है, और एक तरोताजा जिसको ऑक्सीजन बोल सकते हैं वो मेडिटेशन भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। सुबह शाम आए
यहाँ पे गायों की सेवा करें। साथ में आएंगे तो बोलते हैं कि पेड़ पौधों के बीच में और गायों के बीच में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे अपनी बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की हुई है। ये देखिए बहुत सारी यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है, का सींचती पया धरा से प्रेम बल्लरी गो माता, इंद्रासन की क्या बिसात है पास अगर हो गौशाला। देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाइन है, मोटिवेशन मिलता है। और सेवा करना तो बहुत बड़ा धर्म है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये देखिए मतलब क्या ही बोले, बहुत अच्छी और सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। देख के कितना अच्छा लगता है ना, दिल को सुकून आता है। ये देखिए यही सब दिखाना बहुत जरूरी है, हमारे आसपास के लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और यहाँ कभी आइए, यहाँ पे आओगे तो दिल को एक सुकून जिसको बोलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलेगा। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे गाय के जो वैरायटी होती हैं, ठीक है, वो भी थार परकर खेरी गढ़, मतलब इनकी अलग अलग, ये क्या कनक कुछ ऐसा कनकंठा क्या क्या गाय, मतलब अलग अलग टाइप की गाय हैं, वो सब यहाँ पे थी या फिर ऐसा कुछ होगा, इस पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, बस ओनली नाम लिखा हुआ। ये गिर गाय है, ये गिर गाय है, ये फिर हरियाणा गाय है, ये पूंगा नूर गाय है। तो कितनी सारी गायें हैं, कितनी सारी, ये थोड़ा इधर साफ सफाई नहीं हुआ है, ये इधर थोड़ा साफ सफाई नहीं है, इसकी वजह से देख नहीं पा रहे हैं निम्मारी करके जैसे। बहुत सारी गायें हैं यार यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए। ये अपने झुंझुनू में ही स्थित है, जो मनसा माता का मंदिर है उसी पहाड़ी के नीचे ये स्थित है। और आप इधर रानी सती मंदिर के पास से भी आ सकते हैं, साथ ही मोतीलाल कॉलेज, जो सेठ मोतीलाल कॉलेज है झुंझुनू की, उसके पास में आ सकते हैं, या लावरेश्वर मंदिर आता है महादेव मंदिर, उसके पास से भी रास्ता निकलता है। तो आप इसमें एक बार विजिट जरूर करें और देखें कि कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, देखने में सुकून मिल रहा है। ये देखिए ये फिर से गाय है, देखिए यहाँ पे हल्लीकर गाय है, फिर ये डांगी गाय है। तो कितनी सारी गाय होती हैं, कितने प्रकार की गायें हैं यहाँ पे, सब मूर्तियां लगाई हुई हैं, सब दिखाई हुई हैं। ये देखिए ये गाय बेचूर है, बहुत सारी गायें हैं, कुछ इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जरूरत है, बाकी बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जगह जगह अच्छे अच्छे फूल हैं बहुत ही, और कितने सारे पेड़ हैं, हरियाली है, इतनी सुंदर चित्रकारी है, इतनी सुंदर डिजाइन है। ये देखिए, ये देखिए, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज भी आती रहती है, तो दिल को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ये देखिए, तो ये तो अभी हम बोल सकते हैं कि 50% हमारा कवर हुआ है। और आप यहाँ की सीनरी देख के है ना, इतना अच्छा लगेगा ना आपको कि हाँ हम किसी अच्छी जगह आए हैं, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज खबर शेखावाटी टीम भी यहाँ पे विजिट करके बहुत खुश है, और हम मानते हैं कि यही हमारी एक सेवा है। जो भी मीडिया लाइन से बंधु लोग हैं उन सबसे भी निवेदन है कि कभी कभार अपने आसपास की किसी भी गौशाला में या धार्मिक स्थल में जाएं और वहां की दिखाएं कि हाँ ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। ये देखिए यार बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये खुद का ट्रैक्टर भी है यहीं पे, गौशाला के ट्रैक्टर, हॉस्पिटल, कबूतर खाना, सब व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। ये देखिए ये ट्रैक्टर है जिनसे खाद वगैरह है या गोबर वगैरह की जो सप्लाई है अपने खेत में, इनके खुद के खेत होते हैं। ये देखिए
कितनी सुंदर व्यवस्था की हुई है यार। ये इस सब पे ऐसे लिखा हुआ है कि टीन सेट का निर्माण किन्होंने करवाया है, तो ये टीन सेट का निर्माण जिन्होंने करवाया उनका लिखा हुआ है। मतलब जो भी दान देता है उनका दान जो है वो धर्म में लगता है, और धर्म सबसे बड़ा पुण्य है, या फिर बोल सकते हैं कि पुण्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो पुण्य करना चाहिए, और खास करके इन बेजुबान जीवों की तो सेवा करनी ही चाहिए। गाय तो माता के रूप में पूजी ही जाती है भारत देश में। यह है ओम, इस गो आवास का निर्माण गुप्त सज्जन द्वारा करवाया। अब जैसे कई लोग होते हैं जिनको अपना नाम नहीं करवाना होता है, तो उन्होंने बिना किसी नाम के अपना ये एक टिन साइड का निर्माण करवा दिया। अच्छे से इसमें गायें रहती हैं और व्यवस्था करवा दी। ये इधर देखिए एक द्वार बना हुआ है, इस द्वार के बारे में देखते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बनाया हुआ है। देखिए ये देखिए, मतलब देखने में ही इतना अच्छा लगता है। ये क्या है, ये भी द्वार ही है, ये अभी यहां से बंद है। ये देखिए, जहां पे बहुत सारी गायें हैं, देखिए इधर तो अभी कोई गाय है नहीं, चरने के लिए छोड़ रखा होगा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये फिर ये देखिए छोटा सा ट्रैक्टर भी है इनके लिए जिससे ये काम करते हैं। देखिए ये एक ट्रैक्टर आ गया है, ये टूड़ा लेके आया है इनके लिए खाने के लिए। ये देखिए ये सब इन्हीं की व्यवस्था के लिए किया हुआ। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, देखने को मिल रही है। ये साफ सफाई देखिए आप, यहाँ पे साफ सफाई मतलब कितना साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम सूखा है। टाइम टू टाइम साफ सफाई होता है, हर एक के अंदर पानी की व्यवस्था है, चारे के लिए अलग से व्यवस्था है, फिर इनकी रसोई अलग से बनाई हुई है उससे खाना दिया जाता है। ये देखिए साफ सफाई, देखिए साफ सफाई सबसे ज्यादा मायने रखती है कि गायों में कोई वायरस ना फैले, कोई बीमारियां ना हो, उन सबको भी ध्यान में रखकर ये सब चीजें की व्यवस्था की हुई है। ये देखिए कितने सारे कबूतर भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे पक्षी हैं। तो जहां पे ऐसा वातावरण रहेगा वहां पे पशु पक्षी इंसान का भी अच्छा रहता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो एक बार विजिट कीजिए, आइए यहाँ पे देखिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक धन से ही सेवा की जा सकती है। सेवा तो इन गायों को एक रोटी खिला करके, इनके माथे पर हाथ फेर कर भी की जाती है। ये देखिए देखिए कितनी सारी गायें हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक स्पेशल कवरेज श्री गोपाल गौशाला झुंझुनू को लेकर के, और उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नई खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में, परिवारजनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर करें, और जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो के साथ में।